नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आईपीएल प्लेऑफ से जुड़ी है। आपको बता दें कि आईपीएल का पहला क्वालिफायर मुकाबला रद्द हो सकता है क्योंकि ईडन गार्डन्स में मुकाबला खेला जाना है और इस वक्त कोलकाता में भीषण तूफान और बारिश हो रही है जिसके बाद कल तक मौसम साफ होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। इसीलिए आईपीएल प्लेऑफ में पहले क्वालिफायर में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच पहला प्लेऑफ क्वालिफायर मुकाबला खेला जाना है। शाम 7:30 बजे से ईडन गार्डन में मुकाबला होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुकाबले को रद्द किया जा सकता है, दूसरी किसी जगह पर कराया जा सकता है क्योंकि कोलकाता में मौसम बहुत ही खराब है, बहुत भीषण तूफान है और इसकी वजह से कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर बालकनी के कांच तक टूट गए हैं। इसके अलावा बारिश लगातार है और इस बीच इसी आंधी और तूफान के बीच बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली ईडन गार्डन्स भी पहुंचे हैं और वो लगातार नजर बनाए हुए हैं कि क्या कल वहां पर मुकाबला कराया जा सकता है कि नहीं। आपको बता दें कि ईडन गार्डन्स में भारी बारिश और तूफान की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं वहां के जो स्टाफ हैं बीसीसीआई है, और इस बीच बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली ने स्टेडियम का दौरा भी किया है और कोलकाता में भारी बारिश और तूफान से जिस तरीके से तबाही मची हुई है, पहले क्वालिफायर मुकाबले पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली लगातार नजरें बनाए हुए हैं, वो इसी भारी बारिश और तूफान के बीच स्टेडियम पहुंचे हैं और वो लगातार ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कल मुकाबला हो सकता है या फिर आनंद फानन में मुकाबला कहीं और शिफ्ट कराया जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स और गुजरात के बीच ये मुकाबला खेला जाना है, जो टीम यहाँ पर जीतेगी वो फाइनल मुकाबले में पहुंचेगी और जो टीम हारेगी उस दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में पहली एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम से उसकी भिड़ंत होगी। फिलहाल यही उम्मीद है कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कल का मुकाबला रद्द किया जा सकता है क्योंकि कोलकाता में भीषण बारिश और तूफान आया हुआ है। बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली फिलहाल नजरें बनाए हुए हैं। जो कुछ भी होगा आपके तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए स्पोर्ट्स आर के साथ।